इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में. डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ. दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. प्ले रिस्पॉन्सिबली. सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई. राज्य सरकार ने पिछले साल 1000 स्कूल्स को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया था. इस साल 166 स्कूल्स को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन इन स्कूल्स में सुविधाएं हिंदी मीडियम की ही मिलेंगी. सरकार ने इंग्लिश मीडियम का अलग से बजट नहीं दिया. यही नहीं, इन स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम के शिक्षक भी नहीं लगाए गए. ऐसे में पढ़ाने वाले टीचर्स हिंदी मीडियम से होंगे और इधर संसाधनों के अभाव में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में बच्चे एक ही परिसर में एक ही टेबल और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई करेंगे. शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का कहना है कि स्कूल्स में संसाधन विकसित किए जा रहे हैं. स्कूल्स में शिक्षकों के रिक्त पदों की बात है तो इसके लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति वित्त विभाग से मिल गई है. फिलहाल हिंदी मीडियम के स्कूल्स में अंग्रेजी पढ़ाने के एक्सपर्ट टीचर से अध्यापन करवाया जा रहा है. प्रदेश में सरकार और शिक्षा विभाग ने स्कूलों का अंग्रेजीकरण तो कर दिया, लेकिन अभी तक उन स्कूलों की हालत हिंदी मीडियम स्कूलों जैसी ही है और उनसे भी खस्ता है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों के पास बैठने के लिए न टेबल कुर्सी है, जर्जर इमारतें हैं और ना ही शौचालय हैं. ऐसे में बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा तो मिल रही है लेकिन उनको उचित संसाधन नहीं मिल पा रहे. ऐसे में सरकार को इस ओर गौर करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उचित संसाधन भी उपलब्ध हो सके. मैं कैमरा पर्सन यश के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर.